चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाना मत भूलिए। हेलो फूडाहोलिक्स, आज हम बना रहे हैं नींबू पानी शिकंजी, जिसे हम लेमनेड भी कहते हैं इंग्लिश में। और आज मैं ये 5 तरीके से बनाऊंगी, 5 फ्लेवर के नींबू पानी बनाऊंगी आप सबके लिए। और ये जो नींबू पानी बना रही हूँ उसमें कोई कलर का इस्तेमाल नहीं होगा। ये 5 फ्लेवर है जो मैं यूज़ करूँगी। बहुत ही आसान है, घर पे पड़ी हुई चीज़ों से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स उतनी हेल्दी नहीं होती है पीने के लिए, और बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो उसका आपका ये सोल्यूशन है कि आप ये बनाएं घर पे, बहुत टेस्टी लगती है। जब मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल है, बेल आइकॉन है, घंटी है, उसे दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अगर आपको ये आसान लगा वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से हम इंग्रीडियंट्स देखना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है काला नमक, फिर मैंने लिया है काली मिर्च और पिसा हुआ जीरा लिया है यहाँ पे मैंने, जीरा पाउडर, चाट मसाला और आमचूर पाउडर। तो ये सारे मसाले मैं यूज़ करूँगी हमारी शिकंजियों में। मैंने यहाँ पे लिया है पानीपुरी मसाला, आप ये बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा, किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं। तो तरबूज यहाँ पे मैंने लिया है, तरबूज को मैंने काट के रखा है, एक आप बड़ा पीस लीजिए तरबूज का, उसको काट के रखिए। तो ये हम तरबूज वाला जो नींबू पानी बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिया है इमली का पेस्ट, तो इमली का पेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है। और पुदीने और धनिए की चटनी ली है यहाँ पे मैंने, पुदीना और धनिए की चटनी। तो जल्दी से हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, इसके अंदर मैंने जो तरबूज लिया था उसको मैंने काट के अच्छे से डाल दिया है इसके अंदर। तो छोटे छोटे पीसीज आप कर लीजिए तरबूज के, इससे पानी नहीं मिलाना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि तरबूज में पानी होता है ऑलरेडी। और इसके अंदर आप जो नींबू का रस मैंने निकाल के रखा था वो डाल दीजिए। तो मैं 1 से 1.5 ग्लास के करीब बना रही हूँ ये पानी। तो इसके अंदर आप 3 चम्मच के करीब नींबू का रस डाल सकते हैं, और एक बड़ा मैंने तरबूज काट के डाल दिया था इसके अंदर। अभी हम इस पे मसाले डालना शुरू करेंगे। तो मसाले मैं इस पे पहले थोड़े कम डालना शुरू कर रही हूँ, जैसे कि पहले मैंने चुटकी भर से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पे काला नमक ले लिया था, काली मिर्च डाल दी थी, और चुटकी भर से थोड़े ज़्यादा हैं। और आप इसके अंदर चाट मसाला मैंने डाल दिया है चुटकी भर से थोड़ा ज़्यादा। और मसाले को हम अच्छे से जो हमारे पीसेस थे उनके साथ मिक्स कर देंगे ऐसे, और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, पानी नहीं मिलाएंगे। तो पीसने के बाद हमारा जो जूस है वो ऐसे तैयार हो गया है। इसको आप छान लीजिए, पल्प अलग कर लीजिए। आप नहीं करना चाहते हैं तो रहने दीजिए, पर अगर आप इसको सिर्फ जूस रखना चाहते हैं, कुछ लोग पल्प पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे आप इसको छान सकते हैं और पल्प और जूस दोनों अलग कर लीजिए। और अभी आप जब पल्प अलग हो जाता है उसके बाद आप इसको पीकर देखिए। तो अगर आपको नमक कम लग रहा है या फिर आपको चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर कम लग रहा है तो आप उसे अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा पानी तैयार है। अब इसके अंदर मैंने 1/2 चम्मच के करीब पानी भर मसाला डाल दिया है। तो ये हमारा जूस तैयार है। अभी मिक्सी में मैंने चटनी पीस ली थी, तो 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया पुदीने की चटनी ली है। इससे मैं 1.5 ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी मिला लिया है। तो ये 1.5 ग्लास के करीब पानी है। वापस से इसमें जो भी मैं मसाले डालूंगी आप स्वाद के अनुसार बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। और क्योंकि इसे पुदीना है तो ये हल्का सा कड़वा लगेगा, तो इसके अंदर आप हल्का सा नमक डाल के वो टेस्ट अलग कर सकते हैं। तो पहले मैं इसके अंदर हमारा जो 3 चम्मच के करीब मैंने नींबू का रस डाल दिया है, और इससे मैंने जैसे कहा कि मैं 1 से 1.5 कप या फिर ग्लास के करीब बना रही हूँ नींबू पानी। और इसके अंदर मैंने 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल दिया था, थोड़ा चुटकी भर मैंने काली मिर्च डाल दी थी, और चाट मसाला, आमचूर पाउडर आप दोनों 1/2 चम्मच या चुटकी भर डाल दीजिए। पीकर देखिए, आपको और डालना है तो और डाल दीजिए, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये भी जो सेकेंड जूस था वो भी तैयार है। इसको भी हम छान लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसका भी धनिया थोड़ा रह जाता है रेसिड्यू, तो उसको हम अलग कर लेते हैं, जूस को अलग कर लेते हैं। तो वापस से आप इसके अंदर आपको जो भी कम लग रहा है, अगर आपको नमक कम लग रहा है या फिर आपको चाट मसाला या आमचूर पाउडर, तो आप चुटकी से उसको 1/2 चम्मच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1.5 ग्लास बना रही हूँ मैं। अगर आप 4-5 ग्लास बना रहे हैं तो उस हिसाब से मसाले भी 1-1 चम्मच हो जाते हैं, नमक भी और चाट मसाला और आमचूर पाउडर जो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने हल्का सा और बाद में आमचूर पाउडर डाला इसको और खट्टा करने के लिए, तो मैंने 1/2 चम्मच और आमचूर पाउडर मिला दिया था। और इसके अंदर लास्ट में हम मैंने डाल दिया है पानीपुरी मसाला 1/2 चम्मच के करीब, और 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानीपुरी मसाला डाल दिया। और हमारा दूसरे टाइप का जो नींबू पानी था वो भी हमारा टेस्टी नींबू पानी तैयार है, पुदीने वाला।
अभी हम तीसरे टाइप का नींबू पानी बना रहे हैं। इसके अंदर मैंने हमारा जो पानी लिया था वो ले लिया है वापस से, एक से डेढ़ एक ग्लास के करीब मैंने पानी ले लिया है इसके अंदर। अभी पानी के अंदर आप सबसे पहले डाल दीजिए इमली का पेस्ट, आधा चम्मच करीब इमली का पेस्ट मैंने डाल दिया है। इसको पानी के अंदर अच्छे से डिल्यूट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। तो हमारा इसके अंदर मैंने नींबू का रस वापस से डाल दिया है, 3 चम्मच के करीब नींबू का रस डाल दिया है। अब इसके अंदर वापस से हम मसाले डालना शुरू करेंगे। तो आप चुटकी भर से थोड़ा ज़्यादा या आधा चम्मच के करीब पहले मसालों से शुरू कीजिए। हल्का सा मैंने नमक डाल लिया था पहले, उसके बाद मैंने जीरा पाउडर डाल दिया था, अभी मैंने चाट मसाला डाल दिया है। सारे मैं थोड़े थोड़े चुटकी भर से थोड़े ज़्यादा आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ। लास्ट में मैंने इस पर आमचूर पाउडर भी डाल दिया है। इस जूस में सिर्फ मैं हल्का सा जीरा पाउडर एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, बाकी सब में मैंने जीरा पाउडर नहीं डाला था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे खट्टा मीठा पानी तैयार हो जाएगा। इसके अंदर मैं हल्के से शुगर फ्री भी डाल रही हूँ, आप 1 चम्मच के करीब, शुगर फ्री नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच के करीब। और ये जूस को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरे टाइप का जूस भी तैयार है। ये हल्का सा जब पानी पूरी का टेस्ट आता है वैसा आता है इस जूस के अंदर। तो आप इसके अंदर लास्ट में पानी पूरी का मसाला डालिए तो और भी टेस्टी लगेगा। तो ये वाला और पहले वाला जो पुदीने वाला पानी था, दोनों में अगर आप पानी पूरी का मसाला डालते हैं तो एकदम जो पानी पूरी का जो टेस्ट आता है पानी पूरी के पानी में वैसा हो जाता है। तो पानी पूरी का मसाला ही मैंने डाल दिया आधा चम्मच करीब, और हमारा तीसरा जूस भी तैयार है। तो अब हम बना रहे हैं चौथा हमारा जो जूस था, और ये जूस को आप शिकंजी भी कहते हैं, वो चटपटी जो मसाला शिकंजी मिलती है मार्केट में वो। उसके लिए मैंने वापस से यहाँ पे 1 से 2 ग्लास के करीब पानी ले लिया है। अब इसके अंदर वापस से हम 3 चम्मच के करीब मैं नींबू पानी मिला दूंगी, नींबू का रस जो होता है वो मिला दूंगी। तो नींबू का रस डाल दिया है, इसमें वापस से आधा चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच के करीब चाट मसाला, आमचूर पाउडर सब आधा आधा चम्मच डाल दीजिए या चुटकी भर से थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। और मैंने सारे काली मिर्च सब कुछ डाल दिया है इसके अंदर, काली मिर्च, चाट मसाला, आमचूर पाउडर सब चुटकी भर से थोड़े ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि ये 1 से 1.5 ग्लास है। आप और बना रहे हैं तो और डालिए, और 1 से 1.5 ग्लास में भी आपको और टेस्ट चाहिए तो आप और मिला सकते हैं मसाले। अभी अभी मैंने इसमें सॉल्ट मिलाई है, अदरक का पाउडर, तो इसमें अदरक का पाउडर मैंने अलग मिलाया है बाकी जूसों से। और अदरक का पाउडर मिला लिया है मैंने, उसको भी मैंने चुटकी भर से थोड़ा ज़्यादा रखा था तो अच्छा टेस्ट आता है उससे। अब इसके अंदर मैं धनिया पुदीने की चटनी मिला दूंगी, ये मैंने आधी चम्मच ली है धनिया पुदीने की चटनी, ये भी मैंने डाल दी इसके अंदर। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है जैसे मैंने कहा। और लास्ट में इसके अंदर भी मैं हल्का सा शुगर फ्री मिला दूंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी चटपटी होती है, हल्का सा उसमें मीठा फ्लेवर भी होता है। तो आधा चम्मच या 1 चम्मच के करीब उसमें चीनी भी मिला लें। और हमारा जो जूस है आप देख सकते हैं तैयार है। अभी मैं बना रही हूँ लास्ट जूस, ये है बिल्कुल नॉर्मल नींबू पानी। तो पानी लिया मैंने, उसमें नींबू का रस डाल दिया 2 से 3 चम्मच। अभी ये सिंपल नींबू पानी है, इस पर पहले मैं बस काला नमक डाल दूंगी आधा 1 चम्मच के करीब, और मैं इसमें हल्की सी काली मिर्च डाल दूंगी चुटकी भर से थोड़ी ज़्यादा, और फिर हम शुगर फ्री या फिर चीनी डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच के करीब। और आप देख सकते हैं कि हमारा सिंपल वाला जो होता है टेस्टी, सबसे ज़्यादा टेस्टी तो यही लगता है, सिंपल सादगी वाला बहुत टेस्टी पानी जो हमारा नींबू पानी है वो भी तैयार है। तो 5वां नींबू पानी, नॉर्मल नींबू पानी भी तैयार है हमारा। तो अब मैं ये प्रेजेंटेशन की बेसिस से कह रही हूँ कि आप ग्लास लीजिए और ग्लास के जो कोनों पे चारों तरफ नींबू निचोड़ दीजिए, और फिर इसके ऊपर हल्का हल्का ग्लास पे हम नमक लगा लेते हैं। तो अगर आप गेस्ट के आगे सर्व कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे सर्व कर सकते हैं, अच्छा लगता है, ऊपर हल्का हल्का जो नमक है वो लग जाता है, दिखने में प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, और हल्का सा नमक का खाने के टाइम पे पंच आता है। तो ज़्यादा नमक लग जाए तो बहुत चुटकी भर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, चारों तरफ। तो ज़्यादा नमक हो जाए तो उसको आप ऐसे हाथ से उंगली से कम कर सकते हैं, और आप पूरे कोनों पे अच्छी तरीके से हल्का हल्का नमक लगा लीजिए, देखने में भी अच्छा लगता है और पीते समय भी अच्छा लगता है। तो ये से प्रेजेंटेशन है, और आप देख सकते हैं कि 5 के 5 नींबू पानी मैंने डाल दिए हैं, और इसमें आइस डाल दिया है, तो आइस डालना बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी टिप्स हैं कि आप जितना भी पानी डाल रहे हैं, आप 4 कप बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आपका जो मसाले हैं वो बढ़ जाएंगे। आप अभी चुटकी भर से थोड़ा ज़्यादा मसाला डाल रहे हैं, आधा चम्मच डाल रहे हैं, वो 1 चम्मच हो जाएगा, 1.5 चम्मच हो जाएगा। तो पानी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पानी ले रहे हैं। और जब आपका नींबू पानी तैयार हो जाए तो थोड़ी देर में मसाला नीचे बैठ जाता है, तो जब भी आप पीने के लिए जाएं या किसी गेस्ट को दें तो एक बार अच्छे से चला लें नींबू पानी को, इससे सारा मसाला वापस से अच्छे से पानी में मिक्स हो जाता है।
और हल्का सा अगर आपको कुछ ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा मसाला हो गया, तो आप पानी डाल के उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो कभी ख़राब नहीं हो सकती। आप कैसे भी इसको बनाएं, किसी भी तरीके से इसको आप बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा मसाला हो गया तो पानी डाल दीजिए, मसाला कम लग रहा है तो मसाला डाल दीजिए। तो कभी भी ये ऐसी रेसिपी कि आप इसको कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई और भी मसाला डाल सकते हैं और बहुत टेस्टी लगती है। और बच्चे कोल्ड ड्रिंक सच में अगर आप बहुत पीते हैं वो हेल्दी नहीं होती है, तो आप ये बनाइए। गर्मी में बहुत टेस्टी लगती है कोल्ड ड्रिंक भी, उनको आप ये पिला देंगे तो मुझे नहीं लगता है कोल्ड ड्रिंक के पीछे भागेंगे, क्योंकि जो पांचों के पांचों फ्लेवर बहुत टेस्टी लगते हैं पीने में। मेरे को पांचों फ्लेवर बहुत पसंद आए। तो अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, नीचे कमेंट करना मत भूलेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।